टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सरकार के प्रयासों से 2023 से 24 के दौरान 130 में से लगभग 97 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 10 सांद्रता के मामले में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में। इसे जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह समयबद्ध कमी लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करने का देश का पहला प्रयास है। एनसीएपी का लक्ष्य 131 शहरों में 226 तक औसत पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 40% तक कम करना है। शुरुआत में 2024 तक 20-40% की कमी का लक्ष्य रखा गया था। बाद में लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसमें 131 गैर प्राप्ति शहर शामिल हैं, जिन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने पहचाना था। कार्यक्रम के तहत 2019-20 से और 2025-26 तक की अवधि के लिए 16,539 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। PRANA यानी गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल NCEP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल है। चलिए अब देखते हैं NCEP के तहत गैर प्राप्ति शहर कौन से हैं। गैर प्राप्ति शहर वे हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से नीचे हैं। NAAQS वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत CPCB द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचाने गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए मानक है। NAAQS के तहत प्रदूषकों की सूची PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, सीसा, बेंजीन, बेंजोपायरीन और सेनिक और निकल। चलिए अब देखते हैं NCAP के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। नौकरशाही, लाल फीता शाही, जटिल स्वीकृति प्रक्रियाएं प्रदूषण नियंत्रण उपायों के समय पर कार्यान्वयन में बाधा डालती है, जिससे उपकरणों की खरीद जैसी आवश्यक कार्यवाहियों में देरी होती है। फंड का कम उपयोग, पर्याप्त आवंटन के बावजूद शहर अक्सर फंड का केवल एक अंश ही उपयोग करते हैं। कुछ शहर वायु गुणवत्ता पहलों पर अपने बजट का केवल 1% ही खर्च करते हैं। अधूरा डेटा, केवल 37% शहरों ने आवश्यक उत्सर्जन सूची अध्ययन पूरा किया है, जो प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने और प्रभावी कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मानकीकृत प्रक्रियाओं का अभाव, समान दिशा निर्देशों की अनुपस्थिति के कारण शहरों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के तरीके में असंगतताएं होती हैं, जिससे प्रगति ट्रैकिंग जटिल हो जाती है। प्रभावकारिता के बारे में संदेह, स्मॉग टावर जैसे कुछ उपायों की प्रभावशीलता के बारे में संदेह निर्णय लेने और कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता में हिचकिचाहट पैदा करते हैं। निष्कर्ष, NCAP भारत के गंभीर वायु प्रदूषण संकट को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि असंगत कार्यान्वयन, फंड का कम उपयोग और नौकरशाही चुनौतियों के कारण इसकी प्रभावशीलता बाधित होती है। NCAP को अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें डेटा संचारित रणनीतियों और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाना चाहिए। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2, NCAP का लक्ष्य 131 शहरों में 2026 तक औसत पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 70% तक कम करना है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।